वैसे देखा जाए तो आज इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में नर्सों की प्रशंसा बनती है, तारीफ बनती है, लेकिन कभी कभार अपने कार्यों और हरकतों की वजह से नर्सों को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। ऐसा ही मामला मैहर सिविल अस्पताल में सामने आया। यहाँ की नर्स सपना मालवीय से आम जनमानस काफी प्रताड़ित हो चुका है। जब विकास तिवारी नाम के एक शख्स अपने पिता के लिए दवा लेने गए, तब डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने पर्ची दी और वे नर्स के पास पहुंचे। तब नर्स ने कहा कि मरीज लेके आओ, डॉक्टर की पर्ची से उन्हें कोई मतलब नहीं। जबकि शासन का आदेश है कि कोरोना महामारी के चलते अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बताकर दवा घर ले जा सकते हैं, जिससे कि इस महामारी से बचने के लिए मरीज घर में ही सुरक्षित रहे। लेकिन सपना मालवीय ने डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा मानने से इंकार कर दिया। क्योंकि खत्म हो गई और लॉकडाउन के कारण पूरी मेडिकल स्टोर बंद थे, इमरजेंसी में मैहर हॉस्पिटल आया। ड्यूटी में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद थे, उनके पास गया, उनसे मैंने मेडिसिन के लिए बोला। उन्होंने सॉर्बिट्रेट मेडिसिन के लिए लिख के प्रिस्क्रिप्शन दिया, पर्ची में लिखा। उन्होंने बोला कि नर्स सपना मालवीय जी हैं, उनसे आप ले लीजिए। मैं जब उनके पास पहुंचा, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और मुझे वहां से भगा दिया। बोला कि पहले आप पेशेंट को लेके आओ और पर्ची कटाओ, उसके बाद आपको मेडिसिन मिलेगी। बहुत छोटी सी मेडिसिन है, 50 पैसे की कीमत होगी उस मेडिसिन की, और उन्होंने उसके लिए मुझे मना कर दिया। और उसके साथ उन्होंने बोला कि आप पहले पेशेंट को लेकर आओ और उसके बाद पर्ची कटाओ। पर्ची कटाने के लिए अभी समय कोरोना, जब से कोरोना वायरस आया है, जब से लॉकडाउन है, सरकार के भी निर्देश हैं कि आपको पर्ची कटाने की आवश्यकता नहीं है और आप तत्काल में इमरजेंसी में दवाई मेडिसिन आप सरकारी अस्पताल से ले सकते हैं। और ऐसा केस केवल मेरे साथ नहीं, ये केस पूर्व में भी कई लोगों के साथ हो चुका है। गरीब जन मानस, आम जन मानस आए दिन प्रताड़ित होता है इन मैडम के कारण। और मेरा आप मीडिया के माध्यम से मेरा सरकार शासन प्रशासन सबसे निवेदन है, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें ताकि ये दोबारा ऐसा कृत्य आम जनमानस और किसी गरीब और किसी मजबूर असहाय व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्घटना ऐसी न हो सके। आम जनमानस को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े और किसी भी पेशेंट की इनके कारण इनकी लापरवाही के कारण मृत्यु न हो सके। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मैंने इनकी सूचना CMHO डॉक्टर अशोक अवधिया जी को दे दी है, उनको व्हाट्सएप और फोन दोनों के माध्यम से मैंने सूचना दी। मैंने हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम जी को भी इसके बारे में अवगत कराया है और यहाँ के जो प्रभारी अभी स्टाफ शिफ्ट के डॉक्टर है, प्रभारी आशीष श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा लिखा हुआ पर्चा का इन्होंने जो है तो पालन नहीं किया, वो खुद इसके गवाह हैं। तीन तीन डॉक्टर, डॉक्टर CMHO और डॉक्टर प्रभारी मैहर और शिफ्ट के डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, तीनों को मैंने सूचित किया हुआ है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को, मीडिया को, यहाँ पे मीडिया के माध्यम से भी मैं गुहार लगाता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को चेत करना चाहता हूँ कि ऐसे नर्सों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। इतना ही नहीं, डॉक्टर की लिखी पर्ची भी नर्स द्वारा फाड़ दी गई। नर्स मालवीय द्वारा कई मरीजों के साथ अभद्रता का मामला बार बार सामने आया है। कई बार अपनी हेकड़ी दिखाते हुए वे बात करती हैं। बाहर से आए हुए गरीब मरीज काफी परेशान हैं, लेकिन मैडम की अकड़ कुछ अलग ही अंदाज बयां करती है।